वेलकम टू जायका दिल्ली चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी फ्रूट चाट की रेसिपी। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने दो चार टाइप के फ्रूट्स, जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हो। वैसे तो इसमें बेसिकली मीठे फ्रूट्स लिए जाते हैं, अगर आप खट्टे लेते हो तो उससे टेस्ट जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं अनार, सेब और अमरूद। आप चाहो तो नाशपाती भी ले सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इन सबको मैं छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। तो सबसे पहले मैं इन्हें वॉश करूंगी अच्छे तरीके से। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ये बहुत ही हेल्दी रहने वाला है। इसमें मैं दो चार इंग्रेडिएंट बहुत हेल्दी वाले डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इन सबको वॉश कर लूँगी और प्लेट में रख लूँगी। और अगर आपको लग रहा है कहीं से भी फ्रूट कहीं से कुछ ख़राब है तो उसको कट कर लें, हटा दें उसको। अब फिर मैं सबसे पहले अनार छीलूँगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके सारे फ्रूट्स को कट कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं अब जो है अमरूद भी काट लूँगी। और अमरूद में ध्यान रखें कि अगर आप पीले ले रहे हैं, सॉफ्ट ले रहे हैं, तो उनका ध्यान रखें कि उसमें कुछ हो ना, मतलब उसको सफाई से काटें। तो मैंने तो यहाँ पे काफ़ी हार्ड जो है अमरूद लिया है। अब मैं इसको भी ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो अनार मेरे लगभग हो गए हैं, तो इनका कलर तो बहुत ही अच्छा है। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो अमरूद है, तो अब मैं इन्हें अच्छे तरीके से पतले पतले पीसेस में कट कर लूँगी। बाद में मैं इनको भी कट करूँगी, दो पीस कर दूँगी इनके भी। तो छोटे छोटे काटेंगे तो आपके स्पून में आएंगे, जिससे अच्छा टेस्ट आएगा। तो ज़्यादा बड़े बड़े ना काटें। तो अब मैं सेब भी काट लूँगी दोनों अच्छे तरीके से, छोटे छोटे पीसेस में कट करके। और फिर उसके बाद मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल दूँगी, जो कि ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पे हनी ले सकते हो। तो
तो मैंने यहाँ पे खुद हल्का सा हनी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, आधा चम्मच करीब लिया है, जिसको आप आराम से मिक्स करके खा सकते हो, जो कि फ़ायदा बहुत करेगा, तो उसको स्किप ना करें। और आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे कटोरी में निकाल सकते हो, जैसे आप एक सूप टाइप का पी सकते हो इसका। तो थोड़ा सा मैंने शहद लिया है यहाँ पे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैं सब में डाल दूंगी, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। It's very healthy and easy.